सो फाइनली गाइज हमारे सामने खड़ी है 2023 न्यू जनरेशंस E20 OBD2 न्यू मॉडल रॉयल इनफील्ड बुलेट 350 का आपको मैट ब्लैक गोल्ड कलर, जो कि आपका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। तो आज हम लोग इस बाइक का फुल डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू करने वाले हैं। इस बाइक का आपको ऑन रोड प्राइस क्या है, इसमें आपको माइलेज क्या देखने को मिल जाएगा, इस बाइक का आपको टॉप स्पीड क्या है, और साथ साथ इस बाइक में आपको पुराने वाले रॉयल इनफील्ड बुलेट 350 से आपको क्या क्या अंतर देखने को मिलेगा। और इस बाइक को अगर आप सामने से देखेंगे तो इस बाइक में आपको बहुत ही ज़्यादा पार्ट शेयरिंग देखने को मिलेगा क्लासिक 350 का, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले इसके फ्रंट के साथ ही शुरुआत किया जाए, तो यहाँ से आप इस बाइक का फ्रंट लुक देख सकते हैं, जो कि आपको रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 के जैसा देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको राउंड शेप में आपको हेडलाइट सेटअप दिया गया है, और इसी के चारों ओर देखें तो आपको यहाँ पे क्रोम का ट्रीटमेंट भी देखने को मिल जाता है, और साथ साथ आपको यहाँ हेडलाइट का कैप है वो भी आपको दिया गया है। इसके लोअर वाला वेरियंट में आपको एक कैप नहीं देखने को मिलेगा, और दोनों साइड देखें तो आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब के साथ आपको पायलट लैंप दिए गए हैं। ये आपको फुली हेलोजन बल्ब के साथ दिया गया है। इसका मैं आपको एक बार लाइट को चेकआउट कराता हूँ। यहाँ से अभी आप इसका लाइट का थ्रो चेक कर सकते हैं, जो कि आपको लाइट का थ्रो अच्छा खासा मिलेगा, जिससे रात को इसे चलाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इस तरफ देखें तो आपको हेलोजन बल्ब के साथ आपको इंडिकेटर्स मिल जाता है, और साथ साथ इसमें आपको हज़ार लाइट का भी ऑप्शन दिया गया है। और इसी के पीछे देखें तो यहाँ पर भी आपको क्रोम का ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा। फ्रंट में इसमें आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए गए, इस जगह पे आपको नंबर प्लेट लगाने का जगह दिया गया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बुलेट मेरीजान जो इसका थीम है वो भी आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। फ्रंट मडगार्ड देखें जो कि आपको टोटली मेटल में देखने को मिलेंगे, टोटली आपको मैट ब्लैक कलर का यूज़ किया गया, बट इसके लोअर वाले वेरियंट में जाएंगे उसमें आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर का यूज़ किया गया है। नीचे की ओर देखें तो फ्रंट में आपको 300 mm का डिस्क दिया गया, जो कि आपको राउंड शेप में मिलेगा। आपको डुअल चैनल ABS का आपको यहाँ पे सपोर्ट दिया गया है, दोनों साइड आपको रिफ्लेक्टर का ऑप्शन मिलेंगे। बैबरी के आपको यहाँ पे ब्रेक कैलिपर्स दिए गए, और फ्रंट टायर देख सकते हैं जो कि आपको 100/90 सेक्शन का इसमें आपको टायर दिया गया है, जहाँ कि आपको 19 inches का आपको स्पोक व्हील सपोर्ट करने वाली है। और इसमें आपको CEAT कंपनी की तरफ से टायर मिलता है, और इसमें आपको ट्यूबलेस टायर नहीं देखने को मिलेंगे, इसमें आपको ट्यूब ही टायर दिया गया है। अगर इसके साइड प्रोफाइल की ओर देखा जाए तो यहाँ से आप इस बाइक का साइड प्रोफाइल को देख सकते हैं, साइड से भी आपको थोड़ा थोड़ा क्लासिक 350 के जैसा देखने को मिलेगा। इस तरफ देखें तो आपको क्रैश गार्ड पहले से नहीं मिलता है, ये आपको एसेसरीज का पार्ट है, इसे बाहर से लगाया गया है। टैंक की ओर देखें तो इसमें आपको 13 liter का टैंक कैपेसिटी दिया गया है, जहाँ कि आप देख सकते हैं हैंडमेड आपको यहाँ पे लाइनिंग दिया गया है, जो कि आपको गोल्डन कलर के दिए गए। बीच में आपको टोटली मैट ब्लैक कलर का यूज़ किया गया, और यहाँ पे देखें तो आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर का यूज़ किया गया है। यहाँ पे देखें तो इसके चारों ओर आपको क्रोम का ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा, बीच में आपको रॉयल इनफील्ड का आपको ब्रांडिंग दिया गया ब्लैक कलर में, और साथ साथ आप यहाँ पे भी देखें तो आपको रेड कलर का आपको थीम देखने को मिल जाता है। और ये जो बाइक है जो कि आपको E20 को भी सपोर्ट करने वाली है, जिस वजह से यहाँ पे आपको E20 का भी ब्रांडिंग किया गया है, जिससे कि इस बाइक को आप 20% इथेनॉल और साथ साथ इसे आप 80% पेट्रोल के मिक्सर के साथ भी चला पाएंगे। ये आप देखें फ्यूल कैप, जो कि आपको क्लासिक 350 से टोटली आपको यहाँ पे शेयर किया गया है। इसके सीट की ओर देखें तो आपको यहाँ पे सिंगल पीस सीट देखने को मिलता है। राइडर का आप सीट देखेंगे जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा चौड़ा मिलता है, जिससे राइडर को बैठने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बट पिलियन का सीट देखेंगे तो इसका चौड़ाई आपको थोड़ा सा कम कर दिया गया है, बट बुलेट 350 से आपको पुराने वाले से आपको ज़्यादा चौड़ाई देखने को मिलेगा। और सीट के अंदर जो कुशन है ये भी आप देख सकते हैं, आपको अच्छा खासा कुशन मिलता है, जिससे आपको लॉन्ग राइड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और देखा जाए पुराने वाले बुलेट 350 से तो ये आपको लाख गुना अच्छा सीट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको रॉयल इनफील्ड का भी आपको ब्रांडिंग मिल जाता है। यहाँ पे आपको सिंगल पीस ग्रैब हैंडल्स दिया गया, और इसके साइड पैनल की ओर देखा जाए तो यहाँ पे भी आपको बुलेट 350 का आपको ब्रांडिंग मिलेगा। यहाँ पे भी आपको हैंडमेड लाइनिंग देखने को मिलेंगे, इसके अंदर आप कुछ सामान रख सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे की का स्लॉट दिया गया है। और ये जो आप पार्ट देख सकते हैं जो कि आपको रेक्टेंगुलर शेप में मिलता है, बट क्लासिक 350 में देखेंगे तो ये आपको ओवल शेप में दिया गया है। इंजन की ओर देखा जाए तो ये आपको टोटली जे सीरीज वाला इंजन है, जिस वजह से इसमें जो की का स्टार्ट का ऑप्शन मिलता था उसे टोटली हटा दिया गया है, आपको टोटली ब्लैक कलर में मिलेंगे। बट इसका जो बेस वाला वेरियंट है उसका जब इंजन देखेंगे, जहाँ की आपको क्रोम का यूज़ किया गया, और इसका आप एग्जॉस्ट देखेंगे ये भी आपको टोटली ब्लैक कलर में मिलेंगे, बट बेस वाले वेरियंट में आपको क्रोम का आपको एग्जॉस्ट देखने को मिलेगा। ये आप देखें तो आपको ब्रेक पेडल दिया गया, ये आपका राइडर का फुटरेस्ट, और ये आपका पिलियन का फुटरेस्ट दिया गया है। अगर इंजन के बारे में ही बात किया जाए तो इंजन इसमें आपको सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक 2 वाल्व के साथ देखने को मिलेगा। टोटली आपको FI इंजन दिया गया, जो कि आपको 20.4 PS का पावर देने वाली है, और साथ साथ आपको 27 Nm का आपको टॉर्क जनरेट करने वाली है। पावर एंड टॉर्क भी आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। रियर सेक्शन की ओर देखें तो यहाँ पे आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्बर का आपको सस्पेंशन मिल जाता है, जहाँ कि आपको क्रोम का ट्रीटमेंट देखने को मिल जाएगा। रियर में आपको 270 mm का डिस्क दिया गया है, और यहाँ पे भी आपको ABS का प्लेट देखने को मिलेंगे। आगे चल के इसका मैं आपको साउंड को चेकआउट कराने वाला हूँ, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें।
अगर इसके टायर की ओर देखा जाए तो रियर टायर आपको 120 सेक्शन के मिलेंगे, जहाँ की आपको 18 इंचेस का आपको स्पोक व्हील सपोर्ट करने वाली है। आपको अच्छा खासा मोटा टायर मिलेगा जिससे आपको ग्रिप अच्छा मिल सके, और ये भी टायर आपको सीएट कंपनी की तरफ से ही दिया गया है। यहाँ से आप इसका रियर सेक्शन देखेंगे, ये आप देखें टेललाइट जो कि आपको क्लासिक 350 से ही यहाँ आपको कैरी फॉरवर्ड किया गया है। यहाँ पे आपको नंबर प्लेट लगाने का जगह दिया गया, आपको हजार लाइट का ऑप्शन मिल जाएंगे। इस जगह पे आपको रॉयल इनफील्ड का आपको स्टिकर दिया गया है, यहाँ पे आपको बुलेट को मेंशन किया गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि आपको सिंगल पीस हैंडल बार दिया गया है। इस साइड से देखें तो आपको सारीगर का ऑप्शन पहले से ही मिल जाता है, और साथ साथ आपको यहाँ पे लेडीज फुटेस्ट का भी ऑप्शन दिया गया है। ये आपको पकड़ने के लिए जगह दिया गया ताकि इस बाइक को आप डबल स्टैंड पर खड़ा कर सकें। इस तरफ से देखें तो इसमें आपको 5 गियर का मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा, साइड स्टैंड और मिडिल स्टैंड दोनों ही मिलते हैं, और साइड स्टैंड में आपको साइड स्टैंड कटअप सेंसर का भी फीचर्स दिया गया है। अगर इसके मीटर कंसोल की ओर देखा जाए तो यहाँ से आप इसका मीटर कंसोल देखेंगे, जो कि आपको पुराने वाले से टोटली चेंज कर दिया गया। आपको क्लासिक 350 वाला सेम मीटर कंसोल आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया गया है। इसके चारों ओर देखें तो आपको यहाँ पे भी क्रोम का ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा, ये आपको स्पीडोमीटर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे देखें तो आपको कुछ इंडिकेशन दिए गए हैं। लो बैटरी इंडिकेशन, ABS वार्निंग लाइट, आपको इंजन मल फंक्शन दिखाने वाला है, लो फ्यूल होगा वो आपको दिखाने वाला है, लेफ्ट टर्न और राइट टर्न का इंडिकेशन मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको न्यूट्रल का इंडिकेशन दिया गया है। इस जगह पे आपको फ्यूल गेज दिखाने वाला है, आपको यहाँ पे ट्रिप ऐप का ऑप्शन मिल जाएगा, साथ साथ आप यहाँ पे देखें तो डिजिटल में आपको क्लॉक का ऑप्शन मिल जाता है, ये आपको ओडोमीटर का ऑप्शन, आपको ट्रिप वन और आपको ट्रिप टू का ऑप्शन आपको यहाँ पे भी दिया गया है, और साथ साथ इसमें आपको इको मोड का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस जगह पे आपको की का स्लॉट देखने को मिलेगा, दो की आपको कंपनी की तरफ से ही मिलता है, जो कि आपको वेब डिजाइन के साथ आपको की दिया गया है, और इसके चारों ओर देखें तो यहाँ पे भी आपको क्रोम का ट्रीटमेंट देखने को मिलेंगे। इस जगह पे आपको सिंगल पीस हैंडल बार दिया गया है, जो कि आपको टोटली क्रोम के साथ देखने को मिलेगा। स्विचेस की ओर देखा जाए तो आपको लो बीम, आपको हाई बीम का स्विच, यहाँ पे आपको पासिंग का स्विच दिया गया है। स्विच गियर क्वालिटी देख सकते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है, आपको क्लासिक 350 वाला सेम आपको यहाँ पे स्विचेस यूज़ किया गया है। इस जगह पे आपको आई बटन मिलता है, जिससे इसके मीटर कंसोल को आप यहाँ पे टॉगल कर पाएंगे, और साथ साथ आप यहाँ पे देखें तो इसमें आपको USB चार्जिंग पोर्ट का भी ऑप्शन दिया गया है, जहाँ से कि आप अपने मोबाइल को भी इजिली चार्ज कर सकते हैं। लेफ्ट टर्न और ये आपका राइट टर्न का स्विच, ये आपका हॉर्न का स्विच सिंगल होने मिलेंगे, बट आपको साउंड अच्छा खासा मिल जाएगा। क्लच देखें जो कि आपको लाइट वेट रखा गया, उंगली में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको एल्युमिनियम फिनिश के साथ आपको यहाँ पे क्लच दिया गया है। मिरर की ओर देखें जो कि आपको राउंड शेप में ही दिया गया, और यहाँ पे भी आपको क्रोम का ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा। इस तरफ देखें तो आपको यहाँ पे इंजन ऑन ऑफ करने का स्विच दिया गया, यहाँ से आप अपना हजार लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं, और यहीं से आप इसे सेल्फ स्टार्ट कर पाएंगे। इसे मैं सेल्फ स्टार्ट करता हूँ, इसका मैं आपको साउंड को चेकआउट कराता हूँ, उसके बाद आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको साउंड कैसा लगा, कितना ज़्यादा अंतर आपको देखने को मिला पुराने वाले रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 से। तो अभी गाइस जस्ट आपने इस बाइक का एग्जॉस्ट साउंड को सुना, जो कि इंजन में आपको अच्छा खासा रिफाइनमेंट देखने को मिलेगा, और पुराने वाले रॉयल इनफील्ड से, और इसमें आपको थोड़ा सा थम्पीनेस आपको कम देखने को मिलेगा। इस बाइक का जो वेट है, जो कि आपको 195 केजी का इसका वेट रखा गया है, और इसका जो सीट हाइट है जो कि आपको 805 mm का रखा गया है, जिससे अगर आपका हाइट 5.5 इंचेज है, 5.6 इंचेज है, तब कोस आप इस बाइक को आराम से चला सकते हैं। और इस बाइक से आप माइलेज अप्रॉक्स देखा जाए तो आप 30 से 35 किलोमीटर पर लीटर का आप माइलेज आराम से गेन कर सकते हैं, और साथ साथ इसका जो टॉप स्पीड है, जो कि आपको लगभग 115 से 120 किलोमीटर पर आवर के इसमें आपको टॉप स्पीड भी देखने को मिल जाएगा। और इस बुलेट 350 टॉप मॉडल का आपको एक्स शोरूम प्राइस 215,801 रुपया रखा गया है, और इसका ऑन रोड प्राइस की ओर देखा जाए तो इसका आपको ऑन रोड प्राइस 247,000 रुपीज़ रखा गया है। हमारे नियर सिटी शोरूम रांची में आपको खन्ना रॉयल इनफील्ड पे आपको ए प्राइस देखने को मिल जाएगा। शोरूम का जो भी डिटेल है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।